देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और पार्टियां अधिक सीटें जीतने के लिए पूरी जद्दोजहद में लगी है। इसी कड़ी में बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। भरे मंच से ममता बनर्जी इतने गुस्से से लाल हो गई कि उसने अपने ही विधायक से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। आखिर क्यों ममता बनर्जी ने ऐसा किया, इसके पीछे क्या रीजन था और वह कौन सा MLA है जिस पर ममता का रौद्र रूप देखने को मिला, इसके बारे में जानते हैं। पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस राज्य की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। छठे चरण तक 33 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 1 जून को 9 सीटों पर और वोटिंग है। ऐसे में चुनाव प्रचार में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा पूरी ताकत को झोंक दिया गया है। विभिन्न लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार वो कर रही है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट लोकसभा सीट के हरोवा में एक सभा की। उस सभा में मीना खां की 3 बार विधायक रही उषा रानी मंडल मौजूद नहीं थी। यह सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी ज्यादा नाराज हो गई और गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने मंच से ही विधायक से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। मंच से सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने कहा, अगर वह माफी नहीं मांगती है तो उषा रानी की पार्टी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने सभा में ऐलान कर दिया कि पार्टी विधायक के साथ कोई संबंध नहीं रखेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी रहेंगे और सभा में भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं रहेगा, पार्टी उसके साथ नहीं चलेगी। जो ब्लॉक में है, जो संगठन में है, वो देख लेंगे। जब तक वे माफी नहीं मांगती है, पैर नहीं पकड़ती है, वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। बता दें कि 1 जून को बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र में 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण का मतदान होगा। इस बार इस लोकसभा क्षेत्र में TMC को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बसीरहाट लोकसभा इलाके में ही संदेश खाली का इलाका है। संदेश खाली में जो महिला उत्पीड़न का मुद्दा था वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद महिला उत्पीड़न के मामले की CBI फिलहाल जांच कर रही है और PM नरेंद्र मोदी से लेकर BJP के आला नेता संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। BJP ने भी संदेश खाली में उत्पीड़न की शिकार महिला रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां को टिकट तो नहीं दिया और तृणमूल ने बसीरहाट के पूर्व सांसद और वर्तमान में हरुवा के विधायक हाजी नूरुल इस्लाम को मैदान में उतार दिया। बता दें कि पश्चिमी बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिनमें से 33 सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।